चलिए अब ये समझते हैं कि इतना गर्म क्यों है। कौन बताएंगे क्यों है इतना गर्म? और कुछ सरफेस आयरन का नहीं है बाबू? हाँ एटमॉस्फेयर है, बिल्कुल सही बात है। और लेकिन बट बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेयर ये इतना गर्म नहीं होता। इसके अंदर एक गैस जो बहुत ज्यादा एमिशन होती है उसका कार्बन डाइऑक्साइड, विच इज अप्रोक्सीमेटली 91%, ठीक है, इन कॉम्पोजिशन। आप जब कहते हो अमाउंट की जब आप बात करते हो, इसके कारण क्या होता है? देखो कार्बन डाइऑक्साइड होने से इतना गर्म कैसे हो जाता है ये आप ऐसे समझ लो ना कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक ऐसी गैस है जो हीट को बाहर निकलने नहीं देता, उसको पकड़ के रखती है। इसके कारण क्या होता है? इंटरनल हीट बहुत ज्यादा बढ़ता है और बहुत ज्यादा ये गर्म हो जाता है। लेकिन गर्म तो चलो समझ आया, चमकीला क्यों है? बिकॉज यहाँ पे एक एसिड है जो बहुत ज्यादा निकलती है, इसको सल्फ्यूरिक एसिड कहा जाता है। लाइट पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट, रिफ्रैक्ट और स्कैटर, ठीक है, परावर्तन, अपरावर्तन और प्रकीर्णन, ये तीनों घटनाएं बहुत अच्छे से होती हैं और बहुत ज्यादा आपको ये चमकीला दिखाई देता है। ठीक है, आप देखो इसे, हाँ ये है मून। और सभी छात्र छात्राओं एवं शिक्षकों से मैं जरूर कहूंगा कि आप एक बार अच्छे से मून को देखें सभी लोग। एक मिनट का समय लीजिए और ध्यान से मान लेते हैं कि हम सामने मून के खड़े हैं और हम मून को देख रहे हैं, वो दृश्य, वो भावना कैसा होगा? और धीरे धीरे हमारा मून हमारे सामने घूम रहा है। और क्या आपको ये बात पता है कि एक मनुष्य के रूप में हम पूरा चंद्रमा कभी नहीं देखते और ना ही कभी देखेंगे अपने जीवन काल में, क्योंकि हमारे सामने पूरा मून कभी नहीं आता है। आप ऐसे समझ लीजिए, आपको अगर मैं एक बॉल दूं और अगर आपको कहूं कि आपको पूरा बॉल देखना है तो आप क्या करोगे? पूरा बॉल को ऐसे घुमाओगे? लेकिन मान लो अगर बॉल भी ऐसे रुका हुआ है और आप भी रुके हुए हैं, दोनों घूम रहे हैं, तो मून अब उस बॉल का हमेशा एक साइड सामने होगा। सेम यही घटना हमारे साथ मून के साथ होती है, इसका एक साइड हमारे सामने कॉन्स्टेंट होता है, पीछे वाला बार घूम के कभी सामने नहीं आता और आप पूरा मून कभी अगर देखना है तो पृथ्वी के बाहर जाना होगा, मून के उस साइड में जाना होगा, तभी देख पाओगे। अब ये जो इमेज मैं दिखा रहा हूँ ये सैटेलाइट इमेजेस हैं, सबको जोड़ा गया है फिर आपको पूरा मून दिखाया जा रहा है। तो लाइफ में आज पहली बार आप पूरा मून देख रहे हैं, इसलिए मैंने कहा अच्छे से देखिए इसको। मैं रोटेट करता हूँ इसको, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसे पहचानते हैं? हाँ, बहुत ही जाना माना और हमारा पड़ोसी है ना, नेबरिंग प्लैनेट कह सकते हो आप। अच्छा, लाल ग्रह कहते हैं, लाल है दिखता है, लाल ही इतना क्यों है? आयरन के कारण। लेकिन एक देखो, मैं भी तो एक छात्र हूं ना, तो मेरे मन में भी जिज्ञासा है, क्वेश्चंस होंगी। एक सवाल जो मेरा आज तक किसी ने सॉल्व नहीं किया और इसका आंसर मुझे कहीं नहीं मिला कि सिर्फ रेड प्लैनेट मार्स पे ही इतना आयरन क्यों पाए जाते हैं, ये मेरा एक सवाल था जो मैंने बहुत शिक्षकों से पूछा, लेकिन इसका उत्तर मुझे नहीं मिला। अगर आप लोगों को ये कहीं उत्तर मिले तो आप लोगों से जरूर शेयर कीजिए। सवाल समझ में आया कि सभी प्लैनेट्स में सिर्फ मार्स पे ही इतने आयरन क्यों पाई जाती है? सिंपल सा ये क्वेश्चन है, ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, आप लोग इसका आंसर कोशिश कीजिएगा ढूंढने का। चलिए अभी मैं इसके पोल पर चलता हूँ। पोल समझते हैं, ध्रुव, ठीक है, देखो तो क्या है यहाँ पे, हाँ पोल पे, लेकिन क्या दिख रहा है आपको? व्हाइट, क्या है? सॉस क्या है? आइस। तो इसको पिघलाएंगे तो क्या मिलेगा? पानी। पिघलाने के लिए क्या चाहिए? एंड टेम्परेचर, एंड प्रेशर, एंड ह्यूमिडिटी, ओवरऑल एटमॉस्फेयर जो यहाँ पे नहीं है, तो पिघलाओगे कैसे? ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, मार्स पे जीवन की संभावना नहीं हो पाती है, यानी इंसान नहीं जा पाते हैं, क्योंकि वहां क्या नहीं है? वाटर थोड़ा बहुत है लेकिन एटमॉस्फेयर बिल्कुल नहीं है, और एटमॉस्फेयर चाहिए वरना नहीं सर्वाइव कर पाओगे आप, ठीक है। अच्छा, एक यहाँ पे गोल सा भाग दिखाता हूँ आपको। आपने माउंट एवरेस्ट का नाम सबने सुना है और इट्स द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, लेकिन मैं सिर्फ अर्थ की बात करता हूँ। जब मैं कहूँ कि पूरे सोलर सिस्टम में हाईएस्ट पीक कहाँ पर है, इट्स इन मार्स, और वो आपके ठीक सामने है, गोल सा भाग देखो तो। इसको कहते हैं माउंट ओलिम्पस या ओलिम्पस मॉन्स, क्या कहा जाता है? हाँ, और इसकी ऊंचाई जो है ना, जो हाइट है वो आप समझ लो माउंट एवरेस्ट से ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स ऊंची है, यानी माउंट एवरेस्ट को दो बार बढ़ाओ फिर थोड़ा और बढ़ाओ, जितनी हाइट आपको मिलेगी उतनी हाइट इस पीक की पाई जाती है,
ठीक है, और ये मार्स पर पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हुए जुपिटर को देखते हैं, इसके बारे में मुझे कुछ बताइए आप लोग। लार्जेस्ट है, 79 अपडेटेड नहीं है, इट्स 95 राइट नाउ। ठीक है, कितनी है 95? क्या नेचुरल सैटेलाइट, ठीक है, उपग्रह है जो है अभी जो है अपडेट होकर 95 हो गई है। अच्छा, ऐसा कौन सा प्लैनेट है जिसकी नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट सबसे ज्यादा है? नहीं, सैटर्न, इट्स 146 राइट नाउ। और ये भी अपडेटेड नंबर है, ये आपको किताबों में छपा हुआ नहीं मिलेगा क्योंकि कुछ महीने पहले ही ये अपडेट किया गया है। लेकिन ये काम कौन करते हैं अपडेट करने का? नहीं, ये डिसीजन कौन लेते हैं कि जो ढूंढे गए वो उपग्रह ही है या नेचुरल सैटेलाइट ही है? कोई तो ये काम करता होगा, आपके मेरे जैसा कोई व्यक्ति ही होगा, कोई संस्थान होगा, है ना। एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कहते हैं IAU, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, और ये एक संस्थान है जो कि फ्रांस में है। वो ये डिसीजन लेते हैं किसी भी प्लैनेट की नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट्स कितनी ज्यादा होंगी या कितनी कम होंगी या किसको किस ग्रुप में रखना है। ठीक है, अभी आप देखिए तो जुपिटर यानी बृहस्पति पे आंखों जैसा आपको कुछ दिखा क्या? इसे कहते हैं, चलिए क्या बता, क्या कहते हैं अभी बताइए, सच स्टॉर्म, लेकिन इसका नाम रखा गया है द जायंट स्पॉट, द रेड जायंट स्पॉट। और ये इतना बड़ा है कि इसमें पूरे अर्थ जैसे 3 प्लैनेट चले जाएंगे, ठीक है, और फिर भी ये पूरा नहीं भरेगा। तो अंदाजा लगा सकते हो, अगर ये छोटा सा भाग इतना बड़ा है तो पूरी बृहस्पति खुद कितनी बड़ी होगी, है ना, अंदाजा लगा सकते हो, कैसे कर सकते हो। ठीक है, ये कुछ खास खास प्लैनेट से मैंने आपको दिखाया, लेकिन एक प्लैनेट कभी हुआ करता था, मुझे लगता है आप लोगों को नाम सुना होगा, प्लूटो, विच इज नॉट अ प्लैनेट राइट नाउ। अच्छा, मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि आपको ये देखने में कैसा लग रहा है? ब्लैक एंड व्हाइट, थोड़ा ब्राउनिश है, थोड़ा व्हाइटिश है, तो चॉकलेट ब्राउन जैसा, ठीक है, हाँ। अच्छा, एनीवेज, इसकी दूरी तो खैर आप समझ पाएंगे, काफी ज़रा डिस्टेंस पे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स में मापी जाती है, मेजर की जाती है। सफेद है, बहुत ज़रा ठंड है, तो आप समझ पा रहे हो, लेकिन मुझे ये कौन बताएगा कि इसको हमने बाहर क्यों किया था? इस बच्चे के लिए पहले एक जोरदार तालियां होगा। मैं बहुत 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 सटीक आंसर आपने दिया कि ये एक ऐसी प्लैनेट है जो दूसरे प्लैनेट के ऑर्बिट को काट देती है, और कोई भी प्लैनेट ये काम नहीं करती है। वेरी वेरी एक्चुअली प्राउड ऑफ यू कि आपने इतने कम उम्र में ये बात सीखी समझी है। मैं ये चाहूंगा कि बाकी लोग भी इसके बारे में जरूर जानकारी प्राप्त करें कि क्यों हम इसको बाहर रखते हैं, सब कैसा क्या हुआ था इसके साथ, और 2006 में इसको हम लोगों ने ग्रुप से बाहर फेंक दिया। ठीक है, ये हमने अभी तक जो घूमा है, हमारा खुद का परिवार था, सौर्यमंडल था जो हम घूम रहे थे, लेकिन हमारी पृथ्वी के अपने पृथ्वी के बारे में भी बहुत कुछ है जानने। चलिए वापस चलते हैं, बहुत घूमा हमने, अब हम अपने घर चलते हैं। और अर्थ पे जो सबसे पहली चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हमारे जो बादल हैं वो घूमते कैसे हैं हमारे वायुमंडल में, हमारे एटमॉस्फेयर में, अक्रॉस द ग्लोब जब आप बात करते हो, ठीक है ना, दिख रहा है सभी देश और महादेश, कंट्रीज एंड कॉन्टिनेंट्स, और आप देख पाओगे ना क्लाउड्स कैसे मूव करती है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इंडिया हमारा कहाँ पर है और इंडिया के आसपास बादलों की स्थिति कैसी है, दिख रहा है आपको इंडिया। और मैं आज सुबह लेके चलता हूँ, आज सुबह 4 बजे हमारे इंडिया के आसपास बादलों की सिचुएशन कैसी होगी। देखो ये एक रियल टाइम डेटा है, ये हम डेली अपडेट करते हैं। आज सुबह का देखो ये सिचुएशन होगा इंडिया के आसपास, आज सुबह की मैं बात कर रहा हूँ, सुबह 4 बजे ऐसी ही सिचुएशन इंडिया के आसपास रही होगी। ठीक है, और आप पेसिफिक ओशन के बारे में पढ़ते हैं ना, देखो ये पेसिफिक ओशन है बाबू, कितना बड़ा है ये, और यहाँ कितनी क्लाउड फॉर्मेशन होती है और कितना बादल मूवमेंट करता है, देख रहे हो इतनी सारी बादल है। लेकिन एक काम करते हैं, मैं आपको कुछ ऐसा दिखाता हूँ जो टेक्स्ट बुक में भी नहीं मिलेगा आपको। अगर ऐसा होता कि हमारी जो क्लाउड्स हैं वो नहीं होती, क्या होता, क्लाउड्स ही नहीं होती, उस केस में आपको अर्थ कैसा दिखाई देता बिना बादलों के? हमने शायद ये इमेजिन भी नहीं किया कभी। चलो देखते कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि बुरा? अच्छा लग रहा है बाबू, बारिश नहीं होगी, बारिश नहीं होगी तो पता है क्या होगा, मोटरसाइकिल खत्म, और फिर आप और हम भी खत्म,
ठीक है, इसलिए पानी पानी हमारे लिए इतना जरूरी है। एनीवेज, अब मैं आपको दिखा पा रहा हूँ कि दुनिया में सभी कंट्रीज एंड कॉन्टिनेंट्स कैसे दिखते हैं, और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा इंडिया कहाँ पे कैसे दिखता है। अच्छा, एक बात आपको और मजे की बताता हूँ, हमारे आपके घर में या आपके स्कूल में भी हमारे जो टीचर्स होते हैं, इवन प्रिंसिपल सर के टेबल पे भी ग्लोब रखा रहता है ना, उस पर अगर आप इंडिया को कभी देखोगे तो आपको इंडिया ऐसा नहीं, ऐसा दिखेगा। यानी आप कैसे हो, ऐसे हो? नहीं, आप ऐसे नहीं हो, लेकिन इंडिया हमारा ऐसे ही है, बिकॉज ऑफ कुछ हमारे अर्थ के साथ कोई एक ऐसी चीज है जिसके कारण ये थोड़ा टिल्टेड है। पता है क्यों? क्योंकि अपने एक्सिस से वो कितने डिग्री पे, स्ट्रेट। हाँ, इसके कारण हमारा जो इंडिया है वो सीधा ना होके थोड़ा सा टिल्टेड है। अच्छा, अभी आप देखिए तो इंडिया के ठीक नीचे एक टुकड़ा दिख रहा होगा, आपने खुद बताया। इसके बाईं तरफ जाएंगे, लेफ्ट साइड में, तो आपको एल जैसा कुछ एक दिखेगा, कैपिटल एल, वो है अरबियन गल्फ। जैसे कि आपने नाम सुना होगा सऊदी अरबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कुवैत, है ना, यमन, ठीक है, ये जितने भी कंट्रीज आप सुनते हो, ओमान वगैरह, ये सब यहाँ पे पाई जाती है। इसके ठीक बाईं तरफ जाओगे थोड़ा सा, एक कॉन्टिनेंट दिखेगा आपको, एक महादेश दिखेगा। देखो तो ये कौन सा कॉन्टिनेंट है, ये साउथ अफ्रीका नहीं है, ये पूरा का पूरा महादेश अफ्रीका है, ठीक है, और अफ्रीका के साउथ में पाई जाती है साउथ अफ्रीका, ठीक है ना। अच्छा, आप ये बताओ तो पीले रंग का कुछ बड़ा सा पट्टी दिख रहा है क्या आपको? दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट, क्या नाम है आपने बताया? सहारा, जो वहां के लोगों को बिल्कुल सहारा नहीं देता। प्रॉब्लम क्या है ना, क्योंकि बारिश नहीं होती, वेजिटेशन नहीं है। अब बारिश नहीं होती, वेजिटेशन कहाँ से होगी? वेजिटेशन समझ रहे हो ना, वनस्पतियाँ, जो हमारे पेड़ पौधे और जो भी चीजें होती हैं जिसके कारण हम जीवित होते हैं। आपको ये बात पता है कि अफ्रीका के लोग ज्यादातर आटा नहीं खाते, वहां पे लोग, वो किस चीज का बना होता है? मट्टी, मकई का। किस चीज का? मेज, जिसको कहा जाता है। अब सवाल ये कि मकई क्यों खाते हैं, आटा क्यों नहीं खाते? कारण ये है कि मकई को उगाने के लिए, मतलब उपजाने के लिए 40% पानी की मात्रा कम लगती है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। इसलिए वहाँ पानी की ऐसी भी क्राइसिस है, तो लोग यहाँ पे ज्यादा मेज उगाते हैं और ज्यादा मकई ही खाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके ठीक ऊपर जाओगे तो एक छिपकली जैसा कुछ दिखेगा, देखो तो क्या है, ये सब बाहर मत कह देना कि सब छिपकली दिखा रहे थे, मैंने बस आपको पहचानने के लिए बताई है ना। यूरोप है, यूरोप का आपको दिखेगा ना एक सर होगा, दो टेढ़े मेढ़े से हाथ होंगे, दो टेढ़े मेढ़े से पांव होंगे, है ना। इसके ठीक ऊपर जाओगे और ऊपर नॉर्थ पोल के पास, देखो तो यहाँ पे एक सफेद रंग का बहुत बड़ा एरिया दिख रहा है क्या आपको? क्या नाम है इसका? बड़ी विडम्बना है, जो सफेद है वो है ग्रीनलैंड, ठीक है। और उसके ठीक नीचे देखो तो पानी के बीचों बीच एक टुकड़ा है हरे और सफेद रंग का। हाँ, मतलब अब ये किसने ही रखा होगा कि जो सफेद है वो आइसलैंड है और जो ग्रीन है वो, सॉरी, जो व्हाइट है वो ग्रीनलैंड है और जो ये है वो आइसलैंड। एनीवेज, इसके ठीक इसको थोड़ा सीधा करते हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूँ नॉर्थ अमेरिका। देखो ये नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में सबसे फेमस कंट्रीज पाई जाती हैं, फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, और जो कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे, ठीक है, और मैक्सिको भी ठीक सेंट्रल अमेरिका के बीच में नीचे पाई जाती है। इसके ठीक यहाँ पे देखोगे, ये है बाबू साउथ अमेरिका, नाम सुना है? यहाँ पे आपको मिल जाएगा अर्जेंटीना, उरुग्वे, पैराग्वे, इक्वेडर, वेनेजुएला, चिले, ठीक है, ये जो भी आप नाम सुनते हैं, फुटबॉल ये लोग कंट्रीज बहुत खेलती हैं, वो यहाँ पे मिलती है। इसके ठीक नीचे चलो तो यहाँ पे ये क्या है बताओ? एक स्लाइड मैंने देखा था, अनफॉर्चुनेटली मेरे पास वो नहीं है अभी उपलब्ध, वरना मैं आपको दिखाता। आज से 3 लाख वर्ष पहले यहाँ इससे कई ज्यादा बर्फ हुआ करती थी, और आज से 10,000 सालों के बाद ये और कम हो जाएगा। आपको पता है क्यों होगा? ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है ना, चलो ग्रीन हाउस गैस। अब मैं आपको एक ऐसी घटना दिखाता हूँ जो हमने रेगुलरली कभी देखा नहीं है, एक साथ दिन